अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट मेट्रो। मेरठ में 51 लोगों से होगी 28.27 लाख की वसूली। बेगुनाही का शपथ पत्र देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए दंगे के आरोपी। पुलिस ने फोटो व वीडियो के जरिए जुटाए हैं इन आरोपियों के नाम व पहचान। मेरठ में फिलहाल आरोपियों के पोस्टर चस्पा नहीं होंगे। सीए के खिलाफत में 20 दिसंबर को हुए भीषण दंगों में हुई आर्थिक क्षति की वसूली के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। मेरठ जिला प्रशासन ने 28.27 लाख रुपए की वसूली के लिए जिले के 51 लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं। पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई फोटो व वीडियो के जरिए दंगा करने के इन आरोपियों की पहचान की गई है। सफाई में आरोपी सामने आए लेकिन कोई भी शपथ पत्र देकर अपनी बेगुनाही साबित करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लखनऊ में दंगे के आरोपियों की फोटो व जुर्माना राशि चौराहों पर चस्पा करने के मामले में हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने व किस अधिकार के तहत चौराहों पर फोटो चस्पा करने पर सख्त रुख अपनाने के बाद मेरठ जिला प्रशासन ने फिलहाल पोस्टर आदि चौराहों पर लगाने से परहेज किया है। CAA को लेकर तमाम राज्यों समेत उत्तर प्रदेश में भारी हिंसा हुई थी। 20 दिसंबर को एकाएक ही चारों तरफ एक साथ भड़की हिंसा ने मेरठ शहर समेत प्रदेश के कई शहरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मेरठ में हुई हिंसक वारदातों में कुल 6 लोगों की मौत हो गई थी। मेरठ के दंगों के इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार देखने में आया जब पुलिस व उपद्रवियों के बीच सीधी फायरिंग हुई। कई राउंड फायरिंग के अलावा सरकारी व गैर सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस चौकी तक को आग लगा दी गई। करीब 40 रंगरूटों को जिंदा जलाने की नीयत से बंधक बना लिया गया था, लेकिन ऐन मौके पर सूचना पाकर भारी फोर्स ने पहुंचकर सभी को सुरक्षित बचा लिया था। गोली से मेरठ में 6 लोग मारे गए, लेकिन पुलिस का दावा है कि ये सभी दंगाई थे और आपसी फायरिंग की चपेट में आकर ही मारे गए। पुलिस ने सभी मारने वालों के नाम भी दंगाइयों में शामिल कर लिए हैं। इस दंगे में सरकारी व गैर सरकारी दोनों ही संपत्तियों का खासा नुकसान हुआ था। मेरठ विकास प्राधिकरण व नगर निगम द्वारा एक संपत्ति को दो जगह दर्शा दिए जाने के कारण नुकसान की राशि बढ़ गई थी, लेकिन भूल में सुधार किए जाने के बाद अब यह धनराशि 28.27 लाख रुपए आंकी गई है। इस राशि की वसूली दंगे में आरोपी बनाए गए लोगों से ही की जाएगी। आज इस बारे में अपर जिलाधिकारी नगर अजय कुमार तिवारी से बात की गई तो उन्होंने इसकी विस्तृत जानकारी दी। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं अपर जिलाधिकारी नगर अजय कुमार तिवारी। देखिए, इस प्रक्रिया में सबसे पहले 20 तारीख की घटना के जस्ट बाद 134 लोगों को गए थे ये सारे के सारे जो नोटिस थे, और फिर उसके बाद 7 फरवरी को 85 लोगों के नाम आए थे, और तो टोटल नंबर ऑफ नोटिसेस विच हैव गॉन इज 134 प्लस 85 इतने। और इस प्रकरण में उनसे साक्ष लेते हुए और पुलिस से इसमें फाइनल फैसला हो चुका है थर्ड को, और उसमें टोटल 51 लाख रुपए की 28.27 लाख रुपए की रिकवरी के लिए 51 लोगों के अगेंस्ट में फाइनल आदेश किया गया। तो सर, इन लोगों को चिन्हित किया गया, किस तरीके से चिन्हित किया गया, कितने क्या क्या उनके ऊपर? पुलिस के द्वारा प्रॉपर साक्ष्य आए हैं। प्रॉपर साक्ष्य मीन्स फोटोज आए हैं, स्टेटमेंट्स आए हैं, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन 51 वो व्यक्ति जो हैं इनके द्वारा डिफेंस में सब्सटैंशियल कहा नहीं गया है कुछ भी। सो मच कि इनमें से कई लोगों ने जो अपने आपत्ति में जो बयान दिए हैं, जब उनको कहा गया कि आप इसको शपथ पत्र के साथ में कहना चाहेंगे क्या, तो उन्होंने हिम्मत नहीं करी कि जो बात कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, उसको शपथ पत्र के साथ दें। इसका वो खुद श्योर नहीं थे कि बचाव में क्या कहें। तो सर, पहले ये 40 लाख रुपए की बताई जा रही थी, अब 28 लाख? हाँ नहीं, उसमें डिस्प्यूट ये आया था कि एक पर्टिकुलर सड़क को MDA ने, निगम ने, दोनों ने कर लिया था कैलकुलेट, बट बाद में फिर निगम ने वापस कर लिया दावा अपना, बिकॉज वो पर्टिकुलर सड़क MDA की थी। तो अब 51 लोगों को ही नोटिस दिए, फाइनल आदेश होगा, उन्हीं से वसूली होनी है 28.27 लाख की। सर, क्या ऐसा भी कुछ सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से लखनऊ में फोटो लगाए गए, बोर्ड लगाए गए, क्या इन लोगों के फोटो भी थानों में या चौराहों पे लगाए जाएंगे वसूली के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। वसूली का ढंग होता है, प्रक्रिया होती है, संबंधित तहसीलदार ने संभवतः एज आई एम टोल्ड अमीनों के साथ कर ली है बात, अमीन और साथ में
साथ में मतलब कंसर्न जो थाना है वो लोग मौके पर जाएंगे, वसूली के लिए कहेंगे, तो जो भी नियमानुसार उचित होगा करेंगे वो। इसमें सर कोई फोटो लगाने का भी नहीं, ऐसा कोई नहीं, इंस्ट्रक्शन नहीं है कोई ऐसा। अपर जिलाधिकारी नगर से स्पष्ट है कि लखनऊ की तर्ज पर मेरठ में फिलहाल दंगे के आरोपियों की फोटो चौराहों पर चस्पा करने का मेरठ जिला प्रशासन का इरादा नहीं है। समझा जा सकता है कि लखनऊ में चौराहों पर पोस्टर लगाने के बाद लखनऊ प्रशासन की हुई किरकिरी को देखते हुए मेरठ में ये निर्णय लिया गया है। बता दें कि लखनऊ में हिंसा करने वाले 53 लोगों के पोस्टर शहर के प्रमुख चौराहों पर 100 होर्डिंग्स लगाकर चस्पा कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि अगर तयशुदा वक्त में रिकवरी का पैसा नहीं चुकाया गया तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। हसनगंज, हजरतगंज, कैसरबाग और ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के 57 लोग अब तक चिन्हित किए जा चुके हैं। इन सब पर हिंसा फैलाने का आरोप है। इन लोगों के खिलाफ 1,55,62,537 रुपए की रिकवरी का आदेश जारी किया जा चुका है। हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि यूपी की भाजपा सरकार का रवैया ऐसा है कि सरकार के मुखिया और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले अधिकारी खुद को बाबा अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से ऊपर समझने लगे हैं। उच्च न्यायालय ने सरकार को बताया है कि आप संविधान से ऊपर नहीं हैं, आपकी भी जवाबदेही तय होगी। ये समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।